थायराइड की बीमारी और उसकी दवाइयाँ। अब इन दवाइयों को लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 5 टिप्स। जब आपको थायराइड दवाइयाँ लेनी है तो कैसे ध्यान रखना है, स्पेशली हाइपोथायराइड के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ लेनेस्ट मलाड मुंबई से। जब किसी स्त्री को थायराइड की बीमारी होती है तो सबसे बड़ा टेंशन आ जाता है, ओ माय गॉड डॉक्टर मेरे को ये गोलियां सालों साल लेनी पड़ेगी। तो ये जो फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव फीलिंग लगती है। बट द रियलिटी इज़, आप ऐसा सोचो कि एक छोटी सी मामूली सी गोली लेने से हमारे इतने सारे टेंशन, हमारा स्किन का, हेयर का, डाइजेशन का, टेम्परेचर रेगुलेशन का, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापना, मेंटल जो लेथार्जी है उस चीज़ का, थोड़ा सा वेट का भी, सारे फैक्टर्स का फायदा होता है, तो क्यों ना, ठीक है। पर ये शौकियाना तौर पर तो हम ले नहीं रहे क्योंकि हमें हमारे शरीर में तकलीफ है, इसलिए दवाई लेनी पड़ती है। तो आज हम समझेंगे वो 5 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है दवाई लेते वक्त, एक डोज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, फिर किस प्रकार से ये जो दवाइयाँ होती है वो खाने से असर होती है, और तीसरी चीज़ कि अगर दूसरी कोई मेडिकल बीमारी है तब उसका क्या, और दवाई लेते वक्त दूसरी दवाइयाँ उसके साथ में कैसे गड़बड़ कर सकती है, उसके बारे में हम टिप्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो दवाई होती है इसका डोज कैसे डिसाइड होता है और कैसे प्लान होता है। जब भी आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड टेस्ट के अंदर TSH नाम का हार्मोन किया जाता है और उसके हिसाब से आपका डोज एडजस्टमेंट सबसे कॉमनली किया जाता है। आपका फ्री T3 T4 लेवल्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं या T3 T4 लेवल्स अगर आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हैं, और कभी कभी TPO एंटीबॉडीज़ का भी डिटेक्शन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में सोच के और फिर आपका इलाज किया जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स आपके डॉक्टर आपका जो डोज चालू करेंगे, हो सकता है कि लो डोज से चालू करें और फिर 4 से 6 हफ्ते बाद आपका ब्लड रिपीट करें और चेक करें कि वो डोज आपको इफेक्टिव है, और अकॉर्डिंगली आपका डोज टाइट्रेट करके सेट करें जिससे कि आपको ऑप्टिमल डोज पहुँचे, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। एक बार आपका डोज सेट हो गया, टाइट्रेट हो गया, सब सेटल हो गया तो हो सकता है आपके डॉक्टर 6 महीने में एक बार आपको बुलाएं और चेक करें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डोज डिसीजन काफ़ी बदल जाता है। आपका जो रेगुलर डोज आप लेते हैं हाइपोथायराइड की दवाइयाँ उससे करीब 30 से 50% आप डोज बढ़ाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग आपकी प्रेगनेंसी के कौन सा स्टेज है, आपका वजन कितना है, और वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कोई और की बीमारी तो नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स ऐसा कहा जाए तो यदि आप 7 गोलियां रोज की रोज एक गोली लेते हैं तो हो सकता है आपको 9 गोली लेनी पड़े ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपको इमीडिएटली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके इस चीज़ को चेक करा के डोजेज उनसे एडजस्ट करा के लें। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में डोज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यदि आपने दवाई ठीक से नहीं ली तो उसका असर आपके बच्चे पर न केवल प्रेगनेंसी के दौरान बट प्रेगनेंसी के बाद भी उसके कॉग्निटिव स्किल्स, न्यूरो डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको दवाइयाँ सिस्टमैटिक और डोज ऑप्टिमल लेना बहुत जरूरी है। अब इससे आते हैं हम नगली बात पे कि भाई डोज तो हमें समझ में आया कि इतना लेना है, चाहे हमें 25 माइक्रोग्राम लेना है या 50 लेना है या 100 लेना है, लेकिन ये लेते वक्त हमें टाइमिंग कब लेना है और कैसे लेना है। सो आम तौर पे आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे रोज सुबह भूखे पेट अर्ली मॉर्निंग लेना है आपको ये दवाई। पर ऐसा क्यों कि सुबह सुबह भूखे पेट ही क्यों लेना है और सुबह क्यों लेना है, रात को क्यों नहीं ले सकते हैं? सो अब हम आपको इसको समझाएंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो थायराइड की जो गोली दवाइयाँ होती है, ये जो दवाई है हाइपोथायराइड के लिए जो दी जाती है, ये दवाई अगर खाने के साथ लिया जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन मार खा जाता है और आपको जो डोज दिया जाता है वो इनफ नहीं होता है, तो आपको उसका इलाज ठीक से नहीं होता है। सो ये गोली आपको कब लेनी है? अर्ली मॉर्निंग यदि लेते हैं तो रात भर के आप भूखे हैं तो हमें पता है कि आप भूखे हैं, उठते से ही जब आप लेते हो तो आप भूखे होते रात को। हाँ, वो बात अलग है कि आपने मिडनाइट में बहुत सारा घपाघप खा लिया हो तो, बट लेकिन अगर आप 3 घंटे कम से कम अगर आप भूखे हैं तो इफेक्ट इसका अच्छा आ जाता है, और गोली लेने के 1/2 आवर to 1 आवर के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो गोलियां हैं अगर हम रात को लेना चाहें तो आप ये चीज़, कई पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब हम तो सुबह सुबह उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 8:30 बजे निकल जाते हैं, तो कब तो दवाई लें, कब तो ब्रेकफास्ट करें, कब तो क्या करें? वेल, या तो आप जल्दी उठें, और अगर फिर भी आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जल्दी उठ के आप दवाई लेके आधी घंटा एक्सरसाइज व्यायाम करिए और उसके बाद में अपना नहाना धोना रेडी होकर खाना खा के निकलिए। बट फिर भी यदि आपको लगता नहीं हमसे तो होगा नहीं, हम तो नहीं कर पाते, तो रात के समय अगर डोज देना है तो उसमें डोज में कुछ वेरिएशन करना पड़ सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़, अगर रात के समय डोज देना है तो अगर सपोज आप 8 बजे 9 बजे खाना खा लेते हैं और 11 बजे 12 बजे 3 घंटे बाद सोते हैं तो आप रात को सोने के पहले आप दवाई लेके सो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एडजस्टमेंट आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं, आपको उनकी बात सुन के, उनसे डिस्कस करके और डोज एडजस्टमेंट करके उनका टाइमिंग सेट करना है।
अब ये आ गई दूसरी बात। तीसरी चीज़ है, खाने पीने से क्या संबंध है। वेल, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने से इसका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकता है, खाने में होने वाले जो पदार्थ है, जैसे आपने कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस पिया साथ में, तो उसका एब्जॉर्प्शन मार खा जाएगा। सो इसलिए आप अवॉइड करेंगे कि हैवी फैट वाला डाइट या हैवी सप्लीमेंटेड जो मिनरल्स हैं या कैल्शियम है या एक्सेट्रा है, वो चीज़ इसके साथ में ना लें, तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। खाने में कुछ गोइट्रोजेनिक दवाई, खाने की चीज़ें पदार्थें होती है, कोई और चीज़ें होती है। अब मैं उस डिस्कशन में जाऊंगा नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली इस पर काफ़ी डिबेट है और डिस्प्यूट है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जरूरी जो प्रूवन चीज़ वो ये है कि आप ये दवाई खाने के साथ ना लें, और खाने की एटलीस्ट एक घंटे पहले या आधे घंटे पहले ब्रेकफास्ट के लिए लें। और अगर आपका मील्स पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जैसे आप नॉर्मली लो फैट ले रहे हैं, जब सडनली हाई फैट डाइट पर चले गए, तो आपका एब्जॉर्प्शन चेंज होगा और आपका डोजेज की रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी। तो आपके डॉक्टर से बताइए कि हाँ, मैं कुछ अलग तरीके डाइट फॉलो करने वाली हूँ, और उसके हिसाब से आपका डोज को फिर से ब्लड चेक करके टाइटेट किया जाएगा। तो ये हो गया खाने पीने के बारे में। हमने टाइमिंग के बारे में बात कर लिया, डोज के बारे में बात कर लिया, खाने पीने के बारे में। अब कुछ बीमारियाँ होती हैं जिससे ये चीज़ का डोज अफेक्ट होता है। अगर आपको लिवर की या पैनक्रियास की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या आपको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, या आंतड़ी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, और कॉमन एक बीमारी है जो थायराइड के साथ पाई जाती है कई बार, उसको कहते हैं सीलियाक डिजीज़, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो, या ऑटो इम्यून कोई बीमारी है, तो आप प्लीज़ आपके डॉक्टर को बताएं, जिससे कि इसका डोज एडजस्टमेंट हो जाए। अब चलते हैं आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग ने वीडियो बंद कर दिया वो लोगों ने ये मिस कर दिया। और आखिरी बात ये है कि दूसरी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स का क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, यदि आपको दूसरी कोई दवाइयाँ चल रही हैं और आप हाइपोथायरॉयड के लिए थायरॉयड की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो किन दवाइयों से असर पड़ सकता है। ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी के लिए लेते हैं, जैसे एंटासिड लिया, उससे असर पड़ सकता है। आप प्रेगनेंसी के दौरान सादा सीधा आयन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो भी आप इसके साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गोली के साथ लिया तो फिर से अफेक्ट हो जाता है। हम कैसे सोचते हैं, सुबह सुबह उठ के एक साथ सारी दवाइयाँ ले लो तो दिन भर का काम खत्म। नहीं, बैड आइडिया, इट इज़ नॉट द वे इट वर्क्स विद थायरॉयड मेडिकेशंस। अगर थायरॉयड की दवाई ली तो आपको आयन की दवाई कम से कम 2 से 3 घंटे बाद और कैल्शियम की 3 घंटे बाद दवाई लेनी चाहिए, साथ में नहीं ले सकते। हाँ, और कई आयन के कैल्शियम के प्रिपरेशन ऐसे भी होते हैं जो उन दोनों को भी साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन मार खाता है। सो इसलिए आपको, से फॉर एग्जांपल, अगर थायरॉयड की दवाई सुबह सुबह ले ली, आपने आपकी आयन की दवाई दोपहर को खाने के साथ ले ली, और कैल्शियम की रात को सोने के पहले ले ली, इस तरह से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपकी सारी दवाइयाँ अलग अलग टाइम पर हो जाएंगी और एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट नहीं होगा। कई दवाइयाँ, जैसे कि अगर आप ओसी पिल्स ले रहे हैं या हार्मोन की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी आपके बॉडी में इसका असर पड़ता है और आपका डोज रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है। सो इस प्रकार से आप यदि आपकी दवाइयाँ सिस्टमैटिकली लें, अर्ली मॉर्निंग, भूखे पेट, कम से कम 1/2 आवर 1 आवर बिफोर द ब्रेकफास्ट, खाने पीने में अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिच एनरिच्ड कैल्शियम या मिनरल्स वाली चीज़ें उसके साथ में ना लें, और साथ में दूसरी दवाइयाँ एक साथ सेवन ना करें, तो आपका थायराइड का कंट्रोल बेहतर हो सकता है और आपको कोई भी सिम्टम्स परेशान नहीं करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।